हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू थ्री फोर डेट ब्लॉग्स एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो भाई आज है अपना थर्ड डे इधर धर्मशाला में और अभी हम है कैंपिंग पे। और भाई साहब ये लोकेशन है अपनी कैंपिंग की, पीछे अपने ये है धर्मशाला का व्यू। सो गाड़ी अपने पास है नहीं अभी, गाड़ी कल रात के टाइम अपना क्या बोलते हमारा कोई भाईचारा यहाँ तक छोड़ के गया था, लास्ट टाइम तक उसकी गाड़ी थी तो गाड़ी इधर थी वो ना, अभी अपने पास जाने का कोई वो नहीं है तो अभी जा गए हैं हम। बट थोड़े से टाइम में कैंप ये उखाड़ के एंड कॉल करेंगे कि भाई अपने को लेके जाओ इधर से, क्योंकि तो फिलहाल जाने का कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो अपने वाली गाड़ी भी आज रेडी हो जाएगी। सो गाड़ी अपने वाली रेडी हो जाएगी बट भाई टाइम लगेगा अपनी वाली गाड़ी को, क्योंकि मतलब टाइम तो क्या लगेगा। और अब गाड़ी उन्होंने वैसे तो ओपन कर रखी है सारी, ना जाके देखेंगे क्या होता है, बट पहले यहाँ से कैंप वगैरह उखाड़ते हैं फिर देखते हैं और गाड़ी बुलाते हैं अपने लिए, फिर यहाँ से चलेंगे हम नीचे धर्मशाला। और भाई हालत बहुत बढ़िया है आज, कल का दिन अपना और डे टाइम तो बहुत बर्बाद रहा बट इवनिंग बहुत सही हो गया था। सो भाई आज चंबा पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मतलब हम लोग इस टाइम तक चंबा के लिए निकल गए होते और थोड़े से टाइम में मतलब घंटे डेढ़ घंटे में चंबा पहुंचने वाले होते, नौ नहीं तो 10 बजे के करीब तो हम चंबा पहुँच ही जाते। बट फिलहाल जो कुछ रहा जैसा घटा कल का दिन, चंबा पहुँचना तो बहुत बड़ा टास्क था बट नाउ आज भी बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि जब तक गाड़ी रेडी नहीं होती तब तक चंबा पहुंचना बहुत बड़ा टास्क है। बट चलेंगे फिलहाल 10 बजे गाड़ी वाली शॉप खुलेगी, सो 10 बजे वहां जाएंगे, उन्होंने 12-1 बजे का टाइम दिया है। सो समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, सो ये सब समेटते हैं अपना एंड फिर चलते हैं। और भाई ये रात वाला पेड़ अभी भी उसी लेवल की हवा चल रही है मैं और वैसे ही उड़ रहा है ये। सो भाई अपने इधर से इस तरह का व्यू है एंड सनराइज होने वाला है थोड़े से टाइम में वो वहाँ से, एंड इधर से ये इस तरफ और इधर मनी खड़ा है वो अपना कैंप है। एंड भाई नीचे धर्मशाला कांगड़ा यहाँ से दिख रहा है और हवा चल रही है खतरनाक वाली, हाँ गंदे वाली हवा चल रही है, मतलब इतने जोरों की हवा है भाई साहब, वो आप देख सकते हो आसपास हवा का फ्लो। और भाई ना अपने को मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, निकलना भी है तो निकल के जाएंगे, कहाँ निकल के घर भी क्या लेंगे, बट ये कि निकलना पड़ेगा वो बात अलग है। भाई नीचे यहाँ से भी, और भाई हम लोग कल अपने को वो वहाँ ये वाले पीक पे, वो पीक तो क्या इधर ये वाले टापू पे वो क्या बोलते कैंप करना था, बट हम लोग गलती से गलत रास्ते चले गए तो यहाँ से चढ़ गए हम और ये वाले पे पहुँच गए। और भाई इधर कैंप का कोई ऑप्शन नहीं है और टाइम हो चुका था बहुत ज़्यादा, सो दोबारा वापस आना पड़ा नीचे एंड इधर ही रोड के पास हम लोगों ने कैंप किया, कैंप करा। एंड नाउ गाड़ी बुलानी पड़ेगी क्योंकि गाड़ी आएगी तभी हम जा पाएंगे, एंड पता नहीं वो लोग भी सोए होंगे कि क्या सीन है। और भाई यहाँ से एंड साइड का व्यू दिखाऊंगा आपको, उधर से उधर चलते हैं फिलहाल पहले वो मोड़ से भाई नाला, और खतरनाक व्यू है मतलब हर कुछ ही है रात के टाइम पे क्या ही सही था। और ऊपर अपना धौलाधार भाई, कल का दिन तो पता नहीं क्या ही रहा डे टाइम, बट जब इवनिंग तो कल के दिन का तो पता नहीं क्या ही रहा डे टाइम मतलब, बट उसके बाद इवनिंग जिस जब हम महादेव के वहाँ गए दर्शन करें उसके बाद अपना सब कुछ सही रहा। अब महादेव के दर्शन के बाद अब भाई यहाँ से पूछो ही मत, बैक साइड धर्मशाला एंड थोड़ा सा HPCA का ग्राउंड भी दिख रहा है
क्या ही करना है हम लोगों ने HPCA को देख के भाई साहब, हवाएं चल रही है खतरनाक तेज। एंड व्यू मैं आपको रियर कैम से दिखाता हूँ भाई, कुछ इस तरह का ऊपर धोलाधार बर्फ से भरी हुई हवा चल रही है, काफी तेज तेज हवा चल रही है। और भाई साहब हवा के साथ साथ कुछ इस तरह का व्यू है नीचे का, मतलब हम लोग वो वहाँ जिस टाइम चढ़े तो उस टाइम हम लोगों को ये पानी की आवाज़ आ रही थी, इतनी तेज आवाज़ आ रही थी, मतलब वो वाले पहाड़ पे भाई रुकने का स्कोप नहीं। दूसरी तरफ भी बिल्कुल ही खतरनाक वो है कि भाई साहब गिरते मतलब कांड हो सकता था वहाँ पे कुछ भी, बट वहाँ पे टेंट लगाने का भी ऑप्शन नहीं था, कुछ नहीं था। तो हम यहाँ आए एंड भाई नीचे धर्मशाला कांगड़ा वाली तरफ पूरा प्रॉपरली ओपन वो वहाँ तक दिख रहा है, और लोग आना स्टार्ट हो गए इस वाली तरफ भी। एंड भाई नीचे ये देख सकते हो आप खतरनाक नाव, चलते हैं कैंप के पास एंड तैयारी करते हैं यहाँ से निकलने की। गाड़ी के लिए भी कॉल करना है, इस वाली तरफ नेटवर्क नहीं है तो बैक ही जाना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि कैंप के पास नेटवर्क है, वहाँ चलना पड़ेगा। भाई हालत मतलब थोड़ी सी इतनी सी खराब है कि हेयर्स वगैरह खराब है। सो फिलहाल यहाँ से निकलने के बाद मतलब पहले तो गाड़ी आ जाए, कल भी अपने को इवनिंग सेटिंग छोड़ने आया था तो फिलहाल वही अभी लेने भी आएगा, उसको कॉल करेंगे वहाँ जाकर क्या बोलते कैंप के पास चल के। देन सबसे पहले तो मन्नी के रूम ही चलेंगे, वहाँ जाके नहाना है पहले सबसे पहले, क्योंकि भाई साहब और मतलब मैंने ये अपर पहना है एंड भाई साहब अंदर से वार्मर, क्योंकि नाइट टाइम काफ़ी ठंड हो गई थी इस वाली तरफ, हवाएं काफ़ी तेज हैं तो हवा के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। और नाव चलते हैं, उखाड़ते हैं टेंट एंड कॉल करते हैं कि भाई ले जाओ हमें, एंड सबसे पहले मनी के रूम पर रूम चल के नहाएंगे और उसके बाद क्या ही है, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे एंड फिर चलेंगे हम गाड़ी के यहाँ। वहाँ से अगर गाड़ी अपनी टाइमली रेडी होती है तो जितना हो सके हम लोग मतलब जितना हो सके ट्राई करेंगे कि हम जल्दी यहाँ से निकल जाए, क्योंकि पता नहीं क्या रहेगा। बट सबसे पहले है गाड़ी का कि भाई साहब गाड़ी का काम लंबा डल गया, गाड़ी का क्लच प्लेट था मतलब क्लच प्लेट तो आ ही गया, तो क्लच प्लेट के साथ साथ सर्विस भी एंड अपना डिस्पैड भी चेंज करवाने वाले लग रहे थे, तो डिस्पैड वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाए। तो वहाँ से हम क्योंकि एक्चुअली कल सब कुछ बंद था, तो गाड़ी का ये हुआ कि हम लोगों को गाड़ी अपना क्या बोलते हैं मारुति सुजुकी के का कोई ऑथराइज सर्विस स्टेशन था रिमोटो करके, तो वहाँ हम लोगों को गाड़ी छोड़नी पड़ी क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ पे पता किया तो उन्होंने कहा भाई क्लच प्लेट सम कर देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको बट उनके पास होंडा के पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, सो तब करके थोड़ी सी दिक्कत हो गई। बट आज मंडे है तो शायद डिस्पैट भी अगर उनके पास अवेलेबल हो जाते हैं कहीं से आसपास से पकड़ के तो वेलन गुड है, क्योंकि क्लच प्लेट्स भी उन्होंने कहीं से मंगवा के अरे परे से ही वो करके करना था काम। बट भाई बाकी ऑप्शन कोई नहीं था गाड़ी कहीं भी ओपन लगाने का, क्योंकि सब कुछ बंद था। बट भाई काम गाड़ी का जो है देखा हमने कि वो बहुत अच्छे से हो रहा था। सो नाउ ये है, जाके देखते हैं अगर डिस्पैट नहीं वहाँ पे होते तो डिस्पैट ऑलमोस्ट टोटली ख़त्म है, तो भाई डिस्पैट भी चेंज करवाएंगे। एंड गाड़ी का कल खर्चा आ गया 11,500 एंड नाउ अभी बच रहा है अपना डिस्पैट करने के बाद। डिस्पैट का तो क्या ही खर्चा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-1,500 रुपये खर्चा ये बच रहा है। सो ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्रेक्स नहीं लगती है तो सबसे इम्पोर्टेंट है फिलहाल, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है और उसके बाद भाई ब्रेक्स वगैरह अगर बिल्कुल ओके हो जाती है तो उसके बाद निकल जाएंगे हम। बट पहले ये टेंट है अपना, इसको उखाड़ते हैं भाई। सो रहे हैं ये लोग, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मनी जाग रहा है, अजीत और क्या बोलते हैं मनु सो रहे हैं। सो इनको जगा के निकल जाऊँगे, निकले क्या बोलते हैं ये टेंट वगैरह कैंप वगैरह उखाड़ना है और निकल जाएंगे हम यहाँ से धर्मशाला के लिए। और मनी के रूम चल के सबसे पहले अपने को नहाना है, क्योंकि ये हालत है भाई, हेयर्स की हालत ख़राब है, क्योंकि इन लोगों को इनको कंडीशनर शैम्पू कुछ नहीं मिला है, बिल्कुल अकड़ से गए हैं। सो
पहले इनको जगाता हूँ, फिर बाकी देखते हैं क्या है। मनु मनु मंत्री जागो, है गया है गया। ओ जिम जाओ, अब जिम जाने के लिए जागना पड़ता है लोंडो, जागो। मंत्री कैमरा पर तू अंगड़ाई लिंदा, ये बात जागो यार। अब धूपाई करी तगड़ी, ते हवा बड़ी तगड़ी है, ते दोस्तों टाइम भी बड़ा तगड़े स्पीड पर चलाया करता। तो भाई साहब पैकिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो चुकी है अपनी, थोड़ा सामान इस तरफ है, ये स्लीपिंग बैग एक एंड टेंट वगैरह हम लोगों ने उखाड़ दिया है, और थोड़ा सामान इस तरफ है एंड ये सीट्स को भी अभी समेटना है। और भाई निकलना है थोड़े से टाइम में इधर में, इधर से ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है भाई। व्यू वन मोर टाइम नीचे का। सो भाई रेडी हो चुके हैं हम, नहा धो के इधर आने के बाद मनी के रूम गए एंड नहा के आए हैं एंड वापस अभी पैदल पैदल चल के जाएंगे गाड़ी तक। गाड़ी यहाँ से 20 मिनट दूर है, वॉक करके 20 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ तक जाएंगे एंड वहाँ देखते हैं गाड़ी रेडी हुई है या नहीं, नहीं तो क्या ही होगा, गाड़ी रेडी होगी तभी आगे जा पाएंगे। सो फिलहाल यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं एंड ये दोनों नाउ निकल रहे हैं हम गाड़ी के पास। तो भाई वापस फिर से पहुंच गए हैं हम कल वाली जगह पे ही, सीला चौक के पास एंड वो वहाँ पीछे वो ही मोटर्स, वहाँ गाड़ी है अपनी। तो गाड़ी के पास चलेंगे अभी, बस यहाँ रुके हैं एक मिनट के लिए, कुछ खा लें या चाय वगैरह पीनी है इन लोगों ने तो उसके लिए। सो उधर से फिर आगे बढ़ते हैं अपना, उधर चलते हैं सर्विस स्टेशन एंड गाड़ी का देखते हैं अभी क्या सीन है। सो भाई पहुँच चुके हैं हम अपना गाड़ी के पास और वो खड़ी है सामने गाड़ी अपनी। तो कल तो पूरा दिन वहाँ पे हवा में लटकी हुई थी और आज अभी भी यहाँ पे है और हम अभी तक यहीं पे स्टेबल फंसे हुए हैं भाई साहब। और गाड़ी का काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। भाई गाड़ी रेडी हो चुकी है एंड टाइम बज रहा है अभी 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे के करीब अपने को गाड़ी मिली। अब नाउ अभी बस बिल पे कर रहे हैं, वहाँ पे बिल बन रहा है। सो बिल बनने के बाद बिल पे करके यहाँ से निकल चलेंगे। और भाई A4 और थोड़े से टाइम में यहाँ से निकलेंगे और ये दो लोग दोनों अंदर बैठे हुए हैं गाड़ी के और गाड़ी है नाउ रेडी। सो जैसे बिल बनता है 5-10 मिनट में यहाँ से निकल चलेंगे। तो भाई साहब निकल चुके हैं हम धर्मशाला से एंड गगल पहुँचने वाले हैं अभी। और भाई देखो आप बादल क्या सही वाले लग रहे हैं, और मेरी तो छोड़ ही दो, मेरी तो हालत ही ख़राब है फिलहाल क्योंकि काम कोई भी अपना ढंग से नहीं हो पा रहा है। बस ऊपर डिस्पैच अवेलेबल नहीं हो पाए थे तो डिस्पैच चेंज हो रहे हैं अभी गाड़ी के, और डिस्पैच के बाद अपने को थोड़ा सा हल्का सा काम आ गया है, तो हम बाया पठानकोट निकलेंगे यहाँ से पठानकोट। सो 4 बजे से ऊपर का तो टाइम हो ही चुका है, तो 6-6 बजे के तक हम पठानकोट पहुँच जाएंगे एंड 7-7:30 बजे पठानकोट से निकलेंगे घर के लिए। और भाई धौलाधार माउंटेन रेंज तगड़ी लग रही है पीछे, और ये लोग इधर दोनों, इनकी भी हालत ख़राब है, तो मंत्री की तो शक्ल उतरी पड़ी है और इसका बीपी लो हो रहा है तो भाई नाव गगल के पास है हम, और ये करवाने के बाद आराम आराम से जाएंगे क्योंकि 7-7:30 बजे अपना काम होना है उधर पठानकोट में, तो 7-7:30 तक ही पहुंचना है पठानकोट। सो भाई गगल से निकल चुके हैं हम पठानकोट रोड पे और अभी पठानकोट जा रहे हैं। यहाँ से 80 किलोमीटर पठानकोट बसता है, तो 80 किलोमीटर का बाय रोड पठानकोट का सफ़र है अपना एंड वहाँ से 120 किलोमीटर चंबा से 6-7 किलोमीटर अपना घर का, तो भाई अप्रोक्सीमेट
200 किलोमीटर प्लस की ड्राइव अभी भी है और पहले पठानकोट पहुंच के काम हो जाए फिर निकलेंगे हम घर। भाई टायर रखे जान के इनोवा क्रिस्टा। तो भाई पहुंच चुके हैं हम फिलहाल के टाइम पे अपना एयरपोर्ट के पास में, गगल एयरपोर्ट क्रॉस कर रहे हैं एंड रोड कुछ इस तरह का एंड हम कुछ इस तरीके के तरह के और पीछे ये दोनों सोने की तैयारी पे और मैं भी फिलहाल सोने की तैयारी पे। भाई सामने धौलाधार का व्यू और कुछ ही लग रहा है अब बादलों के साथ में और आगे आगे चल रही है बॉन ब्राइट। भाई काफ़ी टाइम लगेगा अभी हम लोग घर पहुँचते पहुँचते और हालत पतली हो चुकी है अपनी। पहाड़ 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 हर कुछ वाले। तो भाई धर्मशाला से आ चुका है पठानकोट और 6 बजे के करीब का टाइम होना है अभी। तो भाई साहब गाड़ी है फुल एसी में और भाई गर्मी है यहाँ पे हद फिलहाल। तो एक्चुअली अभी पुलिस वाला ने रोका चेकिंग के लिए तो उस टाइम मैं बाहर निकला गाड़ी से तभी पता चला गर्मी का कि भाई बाहर क्या फाड़ गर्मी है और अंदर एसी ने बचा रखा है। तो फिलहाल अभी एक काम करते हैं, काम अपना थोड़े से टाइम के बाद होगा तो फिलहाल नोवेल्टी चल लेते हैं। नोवेल्टी मॉल चलते हैं अगर हो सका तो। मूवी देखेंगे अगर टाइम बन पाया तो। स्लोप अगर टाइम का कुछ हो पाया तो अपना क्या बोलते हैं हो पाया अगर टाइम का कुछ तो PVR चल लेंगे, फास्ट टैक्स देख के आएंगे Fast 10। सो वो बाद की बात है, बैठ ले पहुँचे एंड देखें कितना टाइम है हमारे पास और अपने को कितना टाइम लगेगा तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या है। फिलहाल पहले चलते हैं कुछ हल्का फुल्का खाएंगे एंड नोवेल्टी मॉल चलेंगे उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। सो भाई एंटर कर लिया है हमने पठानकोट एंड प्लान बना है मूवी का क्योंकि लेट तो हो ही गए हैं तो 2 घंटे और लेट से ही क्या ही हो जाएगा। जहाँ 8 बजे के करीब निकल रहे थे वहाँ 10 बजे निकलेंगे यही है और बढ़ रहे हैं नाउ आगे। फिलहाल जा रहे हैं खाना खाने तो चलते हैं आगे एंड खाना खा के आते हैं फिर वापस क्योंकि मूवी थोड़ी देर में है तो मूवी टाइम तक खा भी लेंगे क्योंकि अंदर तो क्या ही मिलेगा खाने के लिए, पॉपकॉर्न वगैरह वो पेट नहीं भरेगा उससे तो खा के आगे आते हैं। फिलहाल जा रहे हैं हम अपनी एक जगह पे जहाँ पे हम इधर मैक्सिमम टाइम खाना पठानकोट अगर हम आते हैं तो वहाँ खाते हैं क्योंकि खाना अच्छा बनता है वहाँ पे। सो फिलहाल वहीं जा रहे हैं हम, बस चल थोड़ा। भाई पहुँच चुके हैं हम पठानकोट में एंड गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद आए हैं अभी खाने के लिए और भाई धूप क्या ही तेज़ गंदे लेवल की धूप है। फिलहाल हम जा रहे हैं यहाँ पे कांदा ढाबा और यहाँ पे खाएंगे कुछ एंड उसके बाद निकल कहाँ चलेंगे, मूवी चलेंगे। नोवेल्टी पहुँच चुके हैं हम एंड PVR जा रहे हैं सीधा पार्किंग में गाड़ी पार्क करके। सो डायरेक्ट PVR एंड मूवी देख के फिर निकलेंगे यहाँ से। फिलहाल जो कुछ है फास्ट एंड फ्यूरीज है और आपको फास्ट एंड फ्यूरीज बनाना है गाड़ी को भी। तो क्या आ रहे हैं PVR के प्रणों से भी एंड नाउ फास्ट एंड फ्यूरीज अभी स्टार्ट हुई है मूवी एंड मूवी स्टार्ट होने के बाद मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। नहीं
कर यार। मरेंगे तो सभी। और 1, 2, 3 जाएंगे अपना क्या बोलते हैं बस स्टैंड तक, बस स्टैंड जाएंगे एंड बस स्टैंड के बाद निकल जाएंगे घर। भाई अंधेरा हो चुका है बाहर भी और 2 मिनट के लिए लाइटें जल चल रही हैं PVR की, जब तक इंटरवल क्या बोलते हैं दोबारा से मूवी रिज्यूम नहीं होती है। सब भाई साहब इसके बाद का कोई खास प्लान नहीं है, बस निकलने वाला प्लान है। सो भाई मूवी ख़त्म हो चुकी है एंड मूवी के बाद हमें अभी गाड़ी में बाहर आए हैं एंड नाउ अपने को जाना है बस स्टैंड, और बस स्टैंड जाके वहाँ पे एक काम है छोटा सा, वो काम करके निकल जाएंगे वापस घर। और हालत अब तो भाई और भी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, हेयर जोर सब खराब है और ये लोगों के पीछे नींद आ रही है इनको। तो फिलहाल बस स्टैंड चलना है हमने एंड फिर निकल जाएंगे उसके बाद हम घर। तो फिलहाल आज जो है यही है, रात के टाइम पे तो बस सीधा है निकलना है घर पहुंचना है, तो थोड़ा फास्ट भी ड्राइव करना पड़ेगा थोड़ा सा और, क्योंकि 8 बज रहे हैं तो भाई ड्राइव भी फास्ट करना पड़ेगा और उसके बाद टाइमली घर। 8 बज रहे हैं तो 8:30 बजे अगर यहाँ से निकलते हैं तो 12 बजे के करीब हम पहुँचेंगे घर। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।